हेलो जी, मेरा नाम तस्वीर है। इस वीडियो में मैं रिएक्शन कर रहा हूँ अनस्टॉपेबल सुनामी पार्ट टू। एक वीडियो और थी इससे पहले कि इनकी सुनामी वाली, इमरान खान के ऊपर एक ट्रिब्यूट टाइप की वीडियो होती है, तो वो मैं पहले देख चुका हूँ। एक पार्ट टू भी आ चुका है यार इसका, मुझे अभी पता चला, तो मैंने कहा क्यों नहीं इस पर हम एक वीडियो बनाएं, इमरान खान के ऊपर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, बाकी बात हम इससे रिलेटेड बाद में देखेंगे। अच्छी वीडियो होनी चाहिए उम्मीद है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। एवर हैड वन मैन स्केयर द एस्टेब्लिशमेंट द पॉलिटिकल पार्टीज एज मच एज इट इज राइट नाउ। यू लुक एट टेलीविजन, देयर इज ओनली वन मैन, वन मैन। मेरे पाकिस्तान की मत आ गया जहां हम अपनी आजादी ले। ये जो चोर, ये जो डाकू, ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, जो एनआरओ वाले, जो बाहर पे आते हैं, बाहर बड़े बड़े महलों में रहते हैं, मुल्क को लूटने आते हैं, चोरी करके बर्बाद चले जाते हैं, वक्त आ गया है पाकिस्तानियों इनके साथ ही खड़ा होना। 75 साल जहालत और गुलामी की बंजर मिट्टी पर बरसने वाली चोर और आजादी की पहली बारिश, इमरान खान। ये जो कहते थे कि सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड है, पहली बार अब मैं इनको कह रहा हूँ कि आप मैदान में हो, एस्टेब्लिशमेंट तो आपके साथ खड़ी है, एस्टेब्लिशमेंट तुम्हारे साथ खड़ी भी हो, मैं चैलेंज करता हूँ इलेक्शन में। हाँ इलेक्शन लड़े कर दो यार। तो हमने भी 14 मई से आगे भी इनको जाने दे, हम पब्लिक वो मूवमेंट कराएंगे पाकिस्तान में अपने आई और अपने सुप्रीम कोर्ट के लिए, जो कभी पाकिस्तान को पहले नहीं देखी होगी। इमरान खान को पहला आदमी होगा जिसको जब रजीम चेंज ऑपरेशन करके निकाला गया तो अगले इंतखाबात में वापस आ गया। आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिसको निकाला गया हो वो अगले इंतखाबात में वापस आ गया हो। इमरान खान की जीना मरना पाकिस्तान में, ये सारे मिलके एक इनका मकसद है। इनकी तो खानदानी जमातें सुकड़ के छोटी छोटी जमातें रह गई है। मैं चैलेंज करता हूँ नवाज शरीफ, तुम वापस आओ और इलेक्शन लड़ो। मैं चैलेंज करता हूँ तुम्हारे हल्के में जाके तुम्हें हराऊंगा, या कामयाब होऊंगा या मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैंने लास्ट गेम तक लड़ते रहने, मैंने हार नहीं मानी। कि हमेशा मेरी बात याद रखना पाकिस्तानियों, मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। ये दिन मेरे घटिया मुखाने 26 साल से मेरे किरदार खुशी कर रहे, 26 साल से मेरे ऊपर इन्होंने हर किस्म का किताबें मेरे ऊपर गंदी लिखवाई, हर किस्म के मेरे ऊपर इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह की शान देखो आज अब किस तादाद में आए हुए हैं और मुझे हौसला अफजाई कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पाकिस्तानी हूं ये अल्लाह ने कुरान में लिखा हुआ है कि इज्जत और जिन्नत मेरे हाथ में। मैं कुरान बता रहा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं मैं इनका मुकाबला करूंगा, मैं कभी इनको तस्लीम नहीं करूंगा। लोग समझते हैं कि आपको बुरा बना कह के आपको इंसान जलील कर सकता है, कोई इंसान इंसान को जलील नहीं कर सकता, क्योंकि इज्जत अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हुई है। और जिंदगी मौत, सबसे ज्यादा इंसान को खौफ मौत का होता है। वो कहते हैं कि किस टाइम पर तुम दुनिया से जाओगे ये अल्लाह ने अपने हाथ में रखा। एक मुस्लिम आदमी वो होता है जिसमें ईमान नहीं होता, ईमान वाले की निशानी होती है उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसके जमीन को कोई खरीद नहीं सकता, उसको कोई डरा नहीं सकता। 2013 का इलेक्शन जब इन्होंने जीत लिया तो इमरान खान को तरह तरह की बातें करते रहिए, तुम्हारी तो ये पोजीशन है, 40 सीटें भी नहीं तुम कर सके हो, इधर गए तुम्हारा वो जूझ, तुम्हारा वो जूझ। उसने कहा था कि सिर्फ 10 साल और ये पनीरी तैयार हो रही है, ये फसल तैयार हो रही है, एक दफा ये तैयार हो जाए तो चिंता भी नहीं, बल्कि किसी से नहीं रुका। अवाम तैयार हो चुके हैं, वो अल्लाह का इख्तियार है और वो इमरान खान का मोड़ चुका है इसमें। आप कुछ भी ताकत इस्तेमाल कर दें, अगर तुम उससे अवाम के साथ खड़ी कर सकते तो मैं मानूंगा हाँ आप जीत गए। कि ना आज तक मैं कभी किसी के सामने झुका हूं, और इंशाल्लाह कभी अपनी कौम को
के सामने नहीं झुकने दूंगा। सबसे सीधा रास्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो है सीधा रास्ता। आखिर में वो पूछते हैं कि लोगों को गवाही दो अल्लाह के सामने कि मैंने दयानतदारी से अल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचा। जब पीछे तक आवाज पहुंची तो शोर उठ गया, हाँ नबी आपने दयानतदारी से अल्लाह का पैगाम। लोगों ने रोना शुरू कर दिया, उनकी जिंदगी सारी मुश्किल थी, लेकिन जब आसान वक्त आया वो दुनिया से जाने का वक्त आ गया। जब हम आसान जिंदगी जीते हैं उसमें अजमत की अजमत उस जदोजहद का नाम है जो उनकी जरूरत। मैं खान साहब को इसकी और मैं गद्दारों से हाथ नहीं मिला, गद्दारों से हाथ नहीं मिलाता। इमरान खान, सुनामी, सुनामी उनके नाम के साथ मतलब इस वीडियो में जोड़ा गया है, जिसने भी ये बनाई है तो नाम ज़रूर जोड़ा गया, लेकिन हाँ सुनामी है उनके साथ। मुझे सबसे बढ़िया पार्ट लगा कि वो 10 साल और दो मुझे, फसल तैयार हो रही है, तो बहुत तगड़ा सीन था। और फसल अब तैयार हो चुकी है, इस फसल, ये फसल पक चुकी है, उसको काट भी लिया गया है, सिर्फ उसको बांटना बाकी है, काट भी लिया गया है। भाई फसल बिल्कुल तैयार है, अब उसको जहाँ भी बांटा जाएगा वो लोग खाएंगे, और फसल का असर जब दिखाई देगा वो इलेक्शन से दिखाई देगा। सबको बुला लिया है इमरान खान ने, बहुत तगड़ी बोलते हैं इसके अंदर। उनकी जो स्पीच थी बेस्ट पार्ट मुझे लग रहे थे स्पीच के उनके, तो तुम भी आ जाओ, इलेक्शन करवा लो, लड़ेंगे, चैलेंज करता हूँ शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, सबको उन्होंने चैलेंज किया कि तुम भी आ जाओ और इलेक्शन लड़ लो। सबसे मेन मुद्दा तो यही है भाई कि इलेक्शन करवा लो, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है तो इलेक्शन करवा लो, जो जीतेगा सीट उसकी, मैं मर जाऊँगा हार नहीं मानूँगा, या तो मुझे मरना है या मुझे जीतना है, ये ठान के बैठा भाई खान। खान साहब ने बहुत तगड़ी स्पीच दी इसके अंदर, बहुत सही पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने अपना दिखाया उसमें कि रास्ता जो है इस्लाम का उसको दिखाते हुए कि पीछे नहीं हटना है अब जो भी हो जाए। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारी पब्लिक जो है ये सारी स्पीच उनकी सुनने के बाद जो आए दिन वो देते रहते हैं कि अब पीछे जाने का रास्ता नहीं है, पीछे जाने का रास्ता नहीं है, तो उसको देखते हुए यार पब्लिक रोती है, कहती है खान साहब हो गया, तुम्हारा काम हो गया, तुम अपनी जगह पर बैठे रहो, अब आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, अपनी जान बचाओ और बैठे रहो, आपकी जान कीमती है। पब्लिक ये कह रही है, वो कह रहे हैं कि मेरी जान कीमती नहीं है, पाकिस्तान की इज़्ज़त कीमती है, पाकिस्तान कीमती है। और पब्लिक कह रही है जो करना था आप कर चुके, गोलियां भी खा चुके, सब कुछ कर चुके, लेकिन अब मत करो, अपनी जान बचाओ, आप हमारे लिए ज़रूरी हो। तो ये देख रहे हैं आप, वो पब्लिक के लिए मरने को तैयार ऐसे बोल रहे हैं। पब्लिक कह रही है कि आप अपनी जान बचाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम गुलामी सह लेंगे। तो क्या कहते हो आप कमेंट सेक्शन में बताओ।